नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय में अपने प्रदर्शन के दौरान रिक्शा चालकों और बैरियर वसूलने वालों में नोकझोंक के साथ साथ हिंसक झड़प होने लगी, जिससे कि नगर निगम चौक पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। दरअसल 29 जुलाई को सिंघौल थाना क्षेत्र के नागदह निवासी रिक्शा चालक संजय सोनी की बैरियर वसूलने वालों ने पिटाई कर दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। आज रिक्शा चालकों ने हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग सहित बैरियर वसूली बंद करने की मांग को लेकर नगर निगम चौक पर सड़क को जाम कर दिया था, लेकिन इस बीच बैरियर वसूलने वाले लाठी डंडे से लैस होकर पहुंच गए और रिक्शा चालकों को खदेड़ने लगे, जिससे कि वहां पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। सबसे खास बात यह है कि उक्त स्थल से नगर थाने की दूरी महज 300 मीटर से भी कम है, लेकिन तकरीबन 2 घंटे से उक्त स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, मगर नगर थाने की पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है। नगर निगम पास यही कह रहे हैं कि बैरियर के नाम पर अवैध वसूली किया जा रहा है, हम लोग के साथ रंगदारी किया जा रहा है। आज से 10 दिन पहले एक रिक्शा चालक को मार दिया गया, उसका खून कर दिया गया था, उसी कारण हम लोग आंदोलन किए हैं और आज बैरियर लिया गया। बैरियर कहाँ लिया गया? धर्मशाला के पास। जब हम मना किए तो बोला 5 खून और करेंगे। अच्छा, उसको जो बिगाड़ना बिगाड़ लो, इसीलिए हम लोग जाम लगाए हैं। हम लोग कल से जो है पूरी तरह से रिक्शा हड़ताल कर रहे हैं। कोई भी रिक्शा चालक जो है कल से रिक्शा जिला भर बंद रहेगा या शहर भर? पूरा जिला बंद। जिले के जिस कोने में भी रिक्शा चालक है, अभी आप जिस तरह आपने अभी यहाँ पर प्रदर्शन किया या रिक्शा को रोका है, और भी कहीं जगह पर देख रहे कि रिक्शा चल रहा था, ऐसा क्यों? एकता नहीं है आप सब में? नहीं नहीं, एकता है, उन लोग को जानकारी नहीं था। शहर के लोग पहले एक्टिव हो जाते हैं, उन लोगों को सूचना हम लोग देंगे तभी तो, उन लोग को जानकारी नहीं है। अभी जो है प्रचार किया जा रहा है, सबको सूचित कर दिया जाएगा और कल से कोई चालक रिक्शा लेकर के नहीं आएगा। और कुछ विरोधी विपक्षी कुछ ऐसा भी है, इसमें भी राजनीति हो जाता है, कुछ ऐसे लोग भी है जो नहीं चाहते कि बैरियर बंद हो, उनके चालक रोड पर चले आते हैं। हमारे यूनियन का कोई चालक जो है गाड़ी नहीं चलाता, एक बार बोल दिए तो पूरा शहर तो रिक्शा बंद रहेगा कि प्रदर्शन भी रहेगा, किसी तरह का आवाजाही भी परेशानी कर सकते हैं ये सब? ना हम सड़क जाम करेंगे, ना पब्लिक का रास्ता रोकेंगे, सिर्फ रिक्शा हड़ताल रहेगा, रिक्शा पर कोई सवारी रिक्शा चालक नहीं बैठाएगा। वार्ता में उन्होंने बोल रहा था कि ये जो टेंडर हुई है इसको कैंसिल कीजिए, हम लोग डायरेक्ट आके पैसा जमा करेंगे, लेकिन चूंकि सरकारी प्रावधान में ऐसा नहीं है कि टेंडर के माध्यम से ही वसूली करना होता है, तो टेंडर के माध्यम से ही हम लोग वसूली करेंगे। और जहाँ तक उन लोगों का कहना है कि हम लोग डायरेक्ट आके देंगे 10-15 दिन पर, महीना दिन पर, या उनको टोकन दिया जाए, तो ऐसा प्रावधान नहीं है और इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। जहाँ तक उनका समस्या का था, उनकी समस्या को गंभीरतापूर्वक सुना गया और जो भी अवैध वसूली का स्थान है उसको चेकआउट करके उसको बंद करने का निर्देश दिया गया। वी टाइम न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।